तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं नियॉन मैन और भाई आज भी मेरे पास काफी सारे स्टोरीज है पूरे YouTube कम्युनिटी से, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले गाइज, इफ यू वॉच माई कॉन्टेंट एंड आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैंने चेक किया कि आप में से 40% लोग जो मेरा वीडियो देखते हो सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो। सो वो लाल बटन को दबाना मत भूलना। एनीवेज, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद सम गेमिंग न्यूज। तो आज का फर्स्ट स्टोरी अबाउट पबजी और बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बारे में। तो अभी जोरों शोरों से सारे मोबाइल गेमर्स एंड जो पबजी यूट्यूबर्स से पहले आर एक्साइटेड फॉर द रीलॉन्च, बट अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए है नेम्ड नीनोंग एरिंग, ही इज नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट एंड वो प्राइम मिनिस्टर को इस चीज से रिलेटेड एक लेटर भेज रहे हैं कि पबजी या बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को वापस बैन कर देना चाहिए। इसका रीजन क्या है आप पूरा लेटर पॉज करके रीड कर ही सकते हो, बट शॉर्ट में मैं बता ही देता हूं उन्होंने क्या कहा है। बेसिकली यही कहा है कि क्राफ्टन में टेंसेंट का 15.5% स्टेक है जो कि 3 साल पहले खाली 10% था। सो ही सेइंग कि फ्यूचर में हो सकता है टेंसेंट का क्राफ्टन के ऊपर मेजॉरिटी स्टेक हो एंड वो कंट्रोल कर सके, और इससे ये हो सकता है कि हमारे कंट्री का सिटीजंस का इंफॉर्मेशन एंड ऑल चाइनीज गवर्नमेंट के पास जाए। आगे उन्होंने कहा कि ये पबजी मोबाइल ही है, बस इसका नाम एंड ब्रांडिंग वगैरह चेंज कर दिया गया। सो या बेसिकली इज ट्राइंग टू से कि हमारे सिटीजंस का इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी इज एट स्टेक। कुछ यूट्यूबर्स का रिएक्शन दिखा देता हूं आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल घातक ये कहे, रेस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया, कैन यू प्लीज डू सम वर्क फॉर कोविड सिचुएशन इन इंडिया। लॉकडाउन में अपने घर पे सेफ बैठ के जिस चीज के बारे में कुछ पता नहीं उसके बारे में ट्वीट करने से अच्छा है देश की जनता को कोविड में सफर कर रही है उनको हेल्प करो। नेक्स्ट मैक्सन ने कहा, कोई एमएलए के लिए भी डिग्री मैंडेटरी करो यार। सो या बेसिक क्रिटिसिज्म वो एमएलए को जो मिल रहा है वो ये है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया विल बी फुली मैनेज्ड बाय अ कोरियन कंपनी नेम्ड क्राफ्टन। इसमें टेंसेंट द चाइनीज कंपनी उसका कोई लेना देना नहीं है। इवन धनंजय भोसले भी इस ट्वीट को रिप्लाई करते हुए कहे, वाओ यू फाउंड सिक्योरिटी इश्यूज इन अ प्रोडक्ट व्हिच हैजंट इवन लॉन्च्ड। सो या काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है इस ट्वीट को अभी। बाकी व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एनीवेज, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं गौरव जोन के बारे में। सो अपेरेंटली गौरव जोन गॉट इनटू अ स्मॉल कंट्रोवर्सी अगेन, जहां पे वो अपने पेट डॉग को हीलियम गैस बलून्स के साथ उड़ा रहे थे। सो बहुत सारे लोग एंड कुछ यूट्यूबर्स भी कॉल आउट कर रहे थे उनको बोलते हुए कि ये एनिमल अब्यूज है, क्योंकि अगर उस डॉग को बलून से उड़ाया जा रहा है एंड इफ ही फॉल्स तो ऑफकोर्स ही विल बी इंजर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिमालयन हस्की इससे रिलेटेड अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज अपलोड किए एंड देन गटसी लड़का भी कहे कि दिस इज टोटली रॉन्ग। सो इस हेट को रिस्पॉन्ड करते हुए गौरव जोन ये कहे, यार क्यों परेशान करते हो भाई मेरे, क्यों परेशान करते हो यार, क्यों परेशान। अरे यार अभी मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने डॉलर को उड़ाया है, ठीक है आकाश जी। अभी भाई कुछ बंदे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ चंद व्यूज के लिए, चंद अटेंशन के लिए क्या कर रहे हैं, कमेंट पे टैग कर रहे हैं, फालतू के स्पैम करवा रहे हैं कि मेरे को टैग करो, मेरा नाम टैग करो। मेरे भाई पहली बात जो तेरा लॉजिक है कि तू कह रहा है कि भाई बिना रस्सी के तू डॉग को उड़ा रहा है, तो पहली बात कि तुमने शायद आगे खोल के वीडियो नहीं देखी है भाई मेरे। तो मैं अभी वीडियो डालूंगा उसमें देख लेना दोनों, जब भी मैंने डॉलर को उड़ाया है रस्सी से बांध के उड़ाया है, मेरे को डॉलर से उतना प्यार है जितना शायद तुम्हारे घर वालों को तुमसे नहीं हुआ। पहली बात यह कि जब भी हमने अभी डॉलर को उड़ाया तो भाई पूरा टेस्ट के साथ उड़ाया, डॉलर का वजन कितना है और जो बैलून हमने बांधे कितने वजन खींच लेगा भाई पूरा, वो चीजें मैं व्लॉग में तो डालूंगा नहीं कि भाई ये बैलून कितने खींच लेगा। और पीछे जो रस्सी बांध के आप में लोग कह रहे हो कि भाई रस्सी बांध के पकड़ रखा है, भाई वो इसीलिए बांधा हुआ, मैं उस बंदे को तो दिखाऊंगा नहीं भाई, तू भी हलो कर व्लॉग में, एक घंटे का व्लॉग तो करूंगा नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें यार मैं बोलता नहीं हूं तो लोग उसका फायदा उठाते हैं चंद व्यूज के लिए, बहुत गलत चीज है यार। तो अब मैं डॉलर को उड़ाने वाला हूँ यार, रस्सी दिख रही है नहीं है, तो अब मैं डॉलर को उड़ाने वाला हूँ बिल्कुल ऊपर थर्ड फ्लोर तक। तो नमस्ते गाइज, मैंने कल ऐसी वीडियो डाली थी जिससे लोग काफी हर्ट हुए, काफी उन्हें बुरा लगा देख के। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक अपना छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि आप में से काफी लोग बोले सेफ्टी इश्यूज के बारे में, तो वीडियो बनाने से पहले मैंने पूरे सेफ्टी मेजर लिए हैं और मैंने वीडियो में ही बोला है, बट रॉ डाटा मैंने डाला नहीं क्योंकि वो चीज वीडियो की लेंथ बढ़ाता है जो कि मेरे से गलती हो गई और वो लोग देख नहीं पाए। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा वीडियो पूरी सेफ्टी मेजर लेके बनाई गई थी मैंने। एक्चुअली क्या है कभी कभी हम बाहर के कंटेंट देखते तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसे मैं किसी से इन्फ्लुएंस होता हूँ, यहाँ के इंडिया के लोग, यहाँ के कुछ बच्चे मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इन्फ्लुएंस होने के चक्कर में वो कंटेंट गलत चला गया और
ऐसा नहीं जाना चाहिए था और उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपको वो डॉलर वाली वीडियो का बुरा लगा हो तो अब मैं कुछ ऐसा ट्राई नहीं करूँगा। और जितने भी लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो ऐसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो। और अगर आपके सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं तो मैं दिल से तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आफ्टर दैट उन्होंने ये वीडियो को प्राइवेट भी कर दिया एंड हिमालयन अस्की इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ये कहे, वीडियो इज स्टिल प्राइवेट सो रिमूविंग माई स्टोरीज एज वेल, होप ही लर्न्स अ लेसन फ्रॉम दिस, वैसे आई हाईली डाउट इट। थैंक यू हैशटैग हिमालयन आर्मी फॉर ऑलवेज फाइटिंग फॉर द राइट कॉज, यू गाइज आर लव। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं संभावना सेठ एंटरटेनमेंट के बारे में। सो वीक अगो वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज शेयर की, इट वॉज की हर फादर हैड पास्ड अवे, बट उन्होंने कहा कि ही कुड हैव बीन सेव्ड। एंड कल उन्होंने इसी से रिलेटेड एक वीडियो डाला अपने चैनल पे जहाँ पे शी वॉज सेइंग कि हॉस्पिटल स्टाफ के तरफ से बहुत नेग्लिजेंस दिख रहा था एंड द हॉस्पिटल वॉज नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर। तो उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हर लॉयर्स विल सेंड अ लीगल नोटिस टू दैट हॉस्पिटल। सो या तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान एंड वॉन्डरर्स हब के बारे में। सो फुकरा इंसान अपने यूट्यूब में पोस्ट करके ये बताया, सेइंग यस टू माई डैड फॉर 24 आवर्स वॉज वन ऑफ द फनीएस्ट वीडियो ऑफ आर चैनल एंड इट गॉट रिमूव्ड बाय यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। एंड ऑल्सो ऑन द अदर हैंड हिज सिस्टर वॉन्डरर्स हब वो भी एक पोस्ट की, बहुत इश्यूज आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, सैड बट वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस ऑफ दिस चैनल वर्स सिब्लिंग्स एवर वॉज डिलीटेड बाय यूट्यूब, अनदर फन वीडियो व्हाट्स इन द बॉक्स वॉज डीमोनेटाइज्ड एंड द लिस्ट इज एंडलेस। तो भाई लुक्स लाइक यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस आर गेटिंग स्ट्रिक्टर डे बाय डे। एनीवेज तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं संदीप महेश्वरी के बारे में। सो संदीप महेश्वरी आज कंप्लीट कर लिए अपने चैनल के 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इसके बारे में पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड नीचे हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ वर्ड्स largest not for profit YouTube channel. So yeah, huge congratulations to him for achieving this milestone. तो चलिए अब next story के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं खतरनाक वन स्पॉट के बारे में। He is a gaming YouTuber and दो दिन पहले वो live stream कर रहे थे with a lot of YouTubers including techno gamers. So होता क्या कि जब बहुत सारे YouTubers एक साथ stream करते हैं तो of course सबका बात तो सुना नहीं जा सकता, क्योंकि अगर 10 लोग एक साथ बोले तो it gets confusing. And कभी कभी क्या होता है कि कोई YouTuber कुछ बोल रहा है तो दूसरे YouTubers हो सकता है कि miss कर दिए वो सुने ना। Well, exactly कुछ ऐसा हुआ खतरनाक वन स्पॉट के साथ। तो लोग मिसअंडरस्टैंड करने लगे कि ही वॉज बीइंग इग्नोर्ड बाय अदर यूट्यूबर्स। तो इस चीज को एड्रेस करते हुए टेक्नो गेमर्स अपने सेकंड चैनल से कमेंट भी कर दिए, गाइस इग्नोर नहीं कर रहे थे, बेसिकली दे वर जस्ट टू इन्वॉल्वड एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द गेम, इसलिए उन लोगों का ध्यान उधर था, इग्नोर क्यों करेंगे, वी लव ईशान भाई। एंड उन्होंने भी रिप्लाई करके ये चीज क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले विक्रांत गुप्ता के बारे में। आप शायद इनको जानते होंगे, ही इज अ वेरी फेमस न्यूज एंकर एंड क्रिकेट से रिलेटेड वो न्यूज देते हैं। सो हुआ क्या कि दो दिन पहले किसी ने उनको ट्वीट करते हुए बताया कि उनके फेस को थंबनेल्स में लगा के फेक न्यूज स्प्रेड किया जा रहा है अबाउट क्रिकेटर्स। तो उन्होंने यूट्यूब को भी टैग करके बताया कि ये सब जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, इससे फेक न्यूज फैलाया जा रहा है अबाउट क्रिकेटर्स। देन ही शोड एन अनदर चैनल जो कि सेम चीज कर रहा है। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थगेश ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन दीपिका की दुनिया ने भी कंप्लीट कर चुकी है 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन धीरू मौंचिक ने कंप्लीट कर चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन माई फैमिली ने कंप्लीट कर चुके हैं 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली अविनाश सिंह को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं बीटीएस सॉन्ग बटर के बारे में। कल मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था कि क्या क्या रिकॉर्ड वो लोग सेट किए थे। एंड एक रिकॉर्ड जिसके ऊपर उन लोगों का नजर था वो की हाईएस्ट व्यूड वीडियो इन 24 आवर्स। प्रीवियस रिकॉर्ड था 101 मिलियन व्यूज का। एंड जी हां, दे हैव ब्रोकन दिस रिकॉर्ड बाय कंप्लीटिंग 108.2 मिलियन व्यूज विद इन 24 hours. So yeah, huge congratulations to them for this. तो चलिए अब next story के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं Dr. Disrespect versus iFerg के बारे में। Well, ये story start हुआ कुछ 5-6 महीना पहले जब Dr. Disrespect कुछ tweet किए थे about mobile gamers. उन्होंने कहा कि mobile gaming is not really serious and that PC gaming is way much better than mobile gaming. तो iFerg उनको challenge कर दिए थे to a $100,000 match in COD Mobile. इसके बाद इसमें कुछ updates नहीं आए थे कल तक। कल Dr. Disrespect ये tweet किए, tablet delivered मोबाइल गेमर्स, इट्स टाइम, सी यू मंडे iFerg। एंड उनको रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने कहा, द ओनली थिंग दैट यू विल बी डिलीवरिंग ऑन मंडे इज गूज एग्स। एंड अपने इंस्टाग्राम में भी वो ये कहे, सम चबी चीक्स डॉग थिंक्स दैट ही कैन टेक मी आउट ऑन कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, यू डोंट वांट टू मिस दिस मंडे स्ट्रीम।
सो 24th को ये मैच होने वाला है, लेट्स सी कौन जीतेगा। ये आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो या चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज भेजना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आप कोई पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।